हमें आने में करीब आधे घंटा लेट हो गए और लेट इसलिए हो गए कि सामान्य रूप से किसी देश में किसी देश के मुखिया जाते हैं तो वहां कार्यक्रम का स्वरूप बड़े बड़े सेमिनार वैसा होता है, लेकिन राष्ट्रपति के आगे जो गांव देखेंगे और ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट के लिए उनका कमिटमेंट है। अब मैंने देखा कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किस प्रकार से प्लान वे में काम किया जा सकता है और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, क्वालिटी लाइफ हो, गवर्नेंस हो, इकोनॉमिक वाइब्रेंसी हो, सेल्फ सफिशिएंट फैमिली मीट हो, सारे पहलुओं को एक साथ समेट करके कैसे डेवलपमेंट किया जा सकता है, इसका बहुत ही सुंदर मॉडल मुझे देखने को मिला और हमारा मन भी उसमें इतना लग गया कि हम यहां पहुंचने में देर हो गई। मैं पहला भारत का प्रधानमंत्री हूं जिसे यहां आने का अवसर मिला है, लेकिन मुझे खुशी है कि भारत से बहुत बड़ा बिजनेस डेलीगेशन मेरे साथ आया। वो इस बात का सबूत है कि भारत तो तेजी से ग्रो कर रहा है, लेकिन हमारा मंत्र सबका साथ सबका विकास है और इसलिए हम तो ग्रो करें लेकिन हमारे साथ जुड़ करके चलने वाले जो भी हो सबको भी ग्रो करने में हम मदद रूप हो, हम साथ मिलकर के चले, ये मूलभूत हमारी कल्पना। और मैं खास करके इंडियन कम बिजनेस वर्ल्ड के जो लोग आए हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा, आप ये मत सोचिए कि आप सिर्फ रवांडा है। आज स्थिति ये है कि रवांडा आने का मतलब होता है कि आप पूरे अफ्रीका के द्वार खुल जाते हैं, क्योंकि चाबी यहां पर है। पूरे अफ्रीका में रवांडा के मॉडल की चर्चा होती है, उनके डेवलपमेंट की चर्चा होती है, उनके गवर्नेंस की चर्चा होती है, एक प्रकार से अफ्रीका में नया मिजाज बना और राष्ट्रपति जी उसको लीड करें। आपका यहां आना मतलब आप एक देश की सीमा तक बंधे हुए नहीं है, मान के चलिए तो आपको और अधिक संभावनाओं भी नजर आएगी और अधिक चुनौतियां भी आएगी और अधिक अवसर भी आएंगे और मैं मानता हूं कि आप इस अवसर को जाने नहीं देंगे। मैं कल से देख रहा हूं कि राष्ट्रपति जी की बातों में गुड गवर्नेंस, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द पीपल, प्रॉस्पेरिटी ऑफ द पीपल, पीस ऑफ द सोसाइटी, इन द सोसाइटी, यही सारे विषय उनके केंद्र में है। हम भारत के लोगों के लिए सारी चीजें अनुकूल है, यह हमारी प्रकृति के साथ बहुत सूट करती है। अब ये देश ऐसा है कि जहां पहले दुनिया का ध्यान जब अफ्रीका की तरफ नहीं था, किसी को मन नहीं करता ध्यान आना चाहिए, उस समय हिंदुस्तान ने इस धरती पर आना पसंद किया था। अब गुजरात का ही चौहानपुत्रा परिवार, मैं समझता वो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी में यहां आया, तब से लेकर के भारत के लोग यहां आए हैं, यहां के लोगों के जीवन के साथ घुल मिल गए हैं, यहां की विकास यात्रा के भागीदार बने हैं।
इसी क्या सब दुनिया का ध्यान गया, दुनिया के कई लोगों को आने का मन करता है, लेकिन हम उस समय यहां आए जिस समय सचमुच में यहां जरूरत थी। और आज हम इसलिए इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं कि हम मिल बैठ करके दुनिया के काम आए। दुनिया में अभी भी जो पीछे हैं, जिनको अवसर नहीं मिले उनके लिए कुछ करें, उस इरादे से हम दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया के लोगों को साथ ले रहे हैं, दुनिया के साथ मिलकर के हम दुनिया के उस भूभाग की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। राष्ट्रपति जी गुजरात आए थे, उन्होंने गुजरात में काफी चीजें देखा समझा। भारत में भी जब आए तब कोई कोई विकास की चीजों को देखने की तरफ उनकी रुचि नहीं है, वो प्रत्यक्ष चीजों को देखते हैं, समझते हैं, लोगों को इन्वाइट करते हैं। जिस देश के मुखिया का डेवलपमेंट के प्रति इतना कमिटमेंट हो, नई नई चीजों को समझना, स्वीकारना और स्वागत करना, ये जिनकी प्रवृत्ति हो, मैं समझता हूं ऐसे देश में काम करने के लिए कभी कोई रुकावट नहीं होती है, अनगिनत अवसर होते हैं। और आप एक खिड़की खोलोगे तो दूसरी खिड़की नजर आएगी, दूसरी खोलोगे तो दूसरा महल नजर आएगा, और आप आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, पाते जाएंगे, ये संभावना यहां मैं साफ साफ देख रहा हूं। और इसलिए भारत में भी उतनी ही संभावना है। रवांडा के ऐसे बिजनेस के लोग बेबी अगर भारत में ग्रो करना चाहते हैं, भारत उनको हर प्रकार की सुविधा देने के लिए तैयार है, मैं उनको निमंत्रण देता हूं। लेकिन मैं भारत के लोगों से आग्रह करूंगा कि रवांडा जो आधुनिकता की दिशा में जा रहा है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे इकोनॉमिकल एक्टिविटी हो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, कॉटेज इंडस्ट्री का नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं, यहाँ जो चीजें प्रोडक्टों का ग्लोबल मार्केट चाहते हैं, ये सारे विषय ऐसे हैं कि जिसमें भारत के व्यापार और उद्योग जगत के लोग मिलकर के बहुत कुछ कर सकते हैं। भारत ने मेक इन इंडिया मूवमेंट चलाई है, इस मेक इन इंडिया मूवमेंट को भी हम रवांडा के साथ शेयर कर सकते हैं, उनके साथ जुड़ सकते हैं। इंटरनेशनल सोलार अलायंस के माध्यम से हम क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को तो एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन जिंदगी अफोर्डेबल बने उस पर सोलार एनर्जी कैसे काम आए, उस पर एक बहुत बड़ा अभियान हम चलाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि रवांडा के लोग इसमें आगे आए। मैं राष्ट्रपति के साथ ट्रैवल कर रहा था, मैंने उनको एलईडी बल्ब का प्रयोग बताया। भारत में एलईडी बल्ब ने मिडिल क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास की फैमिली में इतना इकोनॉमिकली बेनिफिट किया है, जो बिजली का बिल आता था उससे आज 1/3 आने लगा है। अगर हम रवांडा में भी एलईडी बल्ब का एक अभियान चले तो वहां के लोगों का यहाँ एनर्जी सेविंग होगा, यहाँ गरीब मध्यम वर्ग के लोगों को फायदा होगा, और एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होने के कारण एनर्जी के जो प्लांट लगाने के पीछे बहुत बड़े बड़े खर्च होते हैं उसको भी कम किया जा सकता है। जो एनर्जी सेविंग होगा उसका उपयोग हम उद्योग धंधों के लिए कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि आज डोमेस्टिक काम के लिए चला जाता है। यानी एक छोटी सी चीज भी कितना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, जिस दिशा में हम मिलकर के काम कर सकते हैं। डेयरी उद्योग की बहुत संभावना है, मिल्क रिवॉल्यूशन के लिए संभावना है, भारत की उसमें महारत है, हम उसके साथ जुड़ करके उनके साथ काम कर सकते हैं। यानी एक प्रकार से गांव से लेकर के राष्ट्र स्तर पर भारत के पास जो भी सामर्थ्य है, भारत के उद्योग कारोबार जो सामर्थ्य है, भारत की जो व्यापारिक कम्युनिटी के पास सामर्थ्य है, उसका भरपूर उपयोग रवांडा के विकास में हम कर सकते हैं। रवांडा एक हमारा मित्र देश है, एक प्रकार से सहमना देश है। यहाँ की हर चीज अगर हम बारीकी से देखेंगे तो भारत के लोग जिस कल्चर से जीते हैं उनसे मिलती जुलती है, हर चीज में आपको अपनापन सा नजर आएगा।
और जहां ये अपनापन हो और डेमोक्रेटिक वैल्यूज हो, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस हो, एफिशिएंसी हो और कमिटेड लीडरशिप हो, उस देश में काम करना कितना सरल होता है वो भली भांति हम समझ सकते हैं। मैं फिर एक बार राष्ट्रपति जी ने, मैं कल एयरपोर्ट से उतरा हूं, कब से अब तक उन्होंने पूरा समय हमारे लिए दिया, ये बहुत रेयर होता है, उनकी पूरी सरकार हमारे साथ। और दुनिया के देशों में जाना आना तो होता रहता है, लेकिन एक एक मिनट का कैसे उपयोग करना चाहिए ये राष्ट्रपति जी से सीखना चाहिए। मुझे बहुत आनंद हुआ और फिर एक बार उनका धन्यवाद करता हूँ और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।